सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित पहला डिजिटल बजट पेश किया। बजट में कृषि क्षेत्र में ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बताया। और बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा में आयोजित पक्षी महोत्सव लोगों को लुभा रहा है। चित्रों और फिल्मों के माध्यम से पक्षी संरक्षण को दिया जा रहा है बढ़ावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के जरिए न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का खाका देश के सामने रखा। उन्होंने इस बजट में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया। ये बजट मुख्य रूप से 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इस बार वित्त मंत्री ने एक टैब के जरिए अपना तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को रियायत देने का ऐलान किया गया है। अब उन्हें इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है। इस बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध नीति से हटाने के लिए अलग से एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। अ वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेस आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स। दिस विल हेल्प इन एनकरेजिंग फ्यूएल एफिशिएंट environment friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए की राशि बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए कर दी गई है। बजट में पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसका काम सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाना होगा। We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the internet being made available in major Indian languages. वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए अगले 5 सालों में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores.
वित्त मंत्री ने बताया कि एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए की लागत के साथ 6 वर्षों के लिए लॉन्च की जाएगी। ये मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करेगी और नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था बनाएगी। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। हेल्थ सिस्टम, अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को पर्याप्त ऋण मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। सरकार का जोर पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में और ज्यादा ऋण सुलभ कराने पर है। सरकार ग्रामीण और संरचना विकास कोष में किए जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने Early this year, Honorable Prime Minister had launched the Swamitva scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, pashupalan, dairy, and to matsyakar, to the fisheries. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. वित्त मंत्री ने बताया कि देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2021-22 को भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक वर्ग का समावेश है। बजट में आम आदमी पर कोई बोझ नहीं बढ़ा है। इस बजट से विकास के विश्वास पर भरोसा बढ़ा है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना,
नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट पारदर्शी होना चाहिए और विशेषज्ञों ने इस पारदर्शिता की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दो दिवसीय दंतेवाड़े प्रवास के दौरान कल गीदम विकास खंड के हारम गांव में बिहान महिला समूह द्वारा चलाई जा रही नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस फैक्ट्री में तैयार गारमेंट ब्रांड डेनेक्स का नाम देश विदेश में चमकेगा। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा जिले में गरीबी उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इस गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। फैक्ट्री के उत्पादों की बिक्री के लिए ट्राइफेड, सीआरपीएफ, एनएमडीसी के साथ एक एमओयू भी किया गया है। इस मौके पर फैक्ट्री की प्रशिक्षक रेणु एक्का ने बताया कि नवा दंतेवाड़ा फैक्ट्री के नाम से जिले में वस्त्र यूनिट की पहली इकाई हारम ग्राम पंचायत में खोली जा रही है। इसके माध्यम से करीब 300 परिवारों को रोजगार दिया जाएगा। भविष्य में दंतेवाड़ा, बारसूर और बचेली में भी इसी प्रकार की यूनिट लगाई जाएगी। कोरोना महामारी से पीड़ित होकर स्वस्थ हो चुके लोगों को विशेष मार्गदर्शन देने के लिए जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर और बिलासपुर से आए चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों के सवालों के जवाब दिए। चिकित्सक अभिजीत रायजादा ने कहा कि अब देश में कोविड-19 के मामले कम हो रहे हैं, वहीं लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए टीके भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं है, इसलिए लोगों को सतर्क होकर काम करना होगा। धीरे धीरे कम हो रही है तो थोड़ा सा लोगों में यानी थोड़ा सा ढिलाई आ रही है, निश्चिंतता आ रही है, तो अभी भी हमें जागरूक रहने की जरूरत है, असावधानी ना हो। इसलिए जो भी कोरोना के दौरान या कोरोना होने के बाद जो भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उनको कैसे उससे उभरा जाए और उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। चिकित्सकों ने कहा कि किसी भी प्रकार के रोग को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी समस्या भी बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए अपनी हर छोटी से छोटी बीमारी के बारे में चिकित्सकों को बताएं और उनकी सलाह पर इलाज कराएं। बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा में पहली बार आयोजित हुआ पक्षी महोत्सव लोगों को लुभा रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ कल हुआ। पहले दिन फिल्मों के माध्यम से भी पक्षियों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इसके अलावा मौके पर विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें चित्रों के माध्यम से पक्षियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। मुख्य वन संरक्षक अधिकारी राकेश चतुर्वेदी ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में गिधवा राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। महोत्सव इस जगह का ये इतिहास है कि पिछले 20-25 सालों से माइग्रेटरी बर्ड्स इस एरिया में आते रहे हैं और चूँकि लगातार बर्ड्स आ रहे हैं, ये इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, पानी की उपलब्धता और यहाँ के स्थानीय लोगों का संरक्षण के प्रति जो रुझान है, क्योंकि उसके बगैर कोई वो बार बार नहीं आएंगे जी। तो ये एक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम यदि ध्यान में रखते हुए बात करें तो इस स्थान पे ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पक्षी विहार बनने की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि गिधवा में करीब 150 प्रकार के पक्षियों का एक अनूठा संसार है। इनमें देश विदेश के विभिन्न प्रजातियों के प्रकार के पक्षी शामिल हैं। वन विभाग और उसकी सहयोगी संस्था फाउंडेशन नोवा नेचर वाइल्डलाइफ वेलफेयर जशपुर के माध्यम से इस पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक नारायण चंदेल ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए उनकी सराहना की। इस अवसर पर श्री चंदेल ने पूर्व सैनिकों से आह्वान किया कि वे युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करें और उनका मार्गदर्शन करें। सैनिक कल्याण संघ जो है, आज हम सब लोगों ने बातचीत में इनसे आग्रह किया है
जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, कि समाज के जो वर्तमान में नौजवान हैं उनको भी हम अधिक से अधिक संख्या में प्रेरित करें कि वो सेना में जाएं, वो देश की रक्षा के लिए वहाँ पर जाएं, अपना कुछ समय वहाँ दें और समाज में जो रचनात्मक गतिविधियाँ चलती हैं उनमें भूतपूर्व सैनिकों का पूरा सहयोग हो। श्री चंदेल ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए जिस जज्बे के साथ अपनी सेवाएं दी, आज वही जज्बा वे समाज सेवा में दिखा रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।